इस हरकत का मतलब पूछ सकती हूँ? हमें साथ देख के तुम्हारा भाई तफ्तीश करने ना आ जाए, इसलिए खामोशी से गुजर रहा था सदफ। तो ठीक है, मेरा भाई आएगा तो दोबारा से अपनी बहन बना लेना। मैं समझा नहीं। समझा नहीं जाहिर है, जब बातें खुल जाती है तो समझ भी साथ देना छोड़ देती है। देखो मसलियत के हाथों झूठ बोलने वाले, झूठ पर कैसी शर्म। ताहिर ने हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था, पूरे घर की नजरें हम पे हैं सदफ। ऐसे में तुम्हारा भाई तफ्तीश करने आ गया, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो और क्या करता? तो तुम्हें कोई और बात नहीं सूझी इसके अलावा? अगर तुम चाहती हो कि बात बिगड़ जाए, हमारे बीच में जो चल रहा है, तो ठीक है मैं सुफियान को जाके सब बता देता हूँ, फिर मामा को भी पता चल जाएगा और ताया जंग का शक यकीन में बदल जाएगा, फिर जो सामने आए उसे भुगत लेना। देखो मैं चाह रहा हूँ जब तक मैं सेट ना हो जाऊँ बात दबी रहे, लेकिन तुम मामला खराब करना चाह रही हो तो कोई बात नहीं। तुम्हारा भाई मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करता, अगर सच जानने के बाद उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया ना सदफ, तो इस दफ़ा मैं भी चुप नहीं रहूँगा, बाद में मुझे इल्ज़ाम देती मत फिरना। जा रहा हूँ उसको सच बताने। तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाने दो मुझे। अरे तो तुमने बात पहले क्लियर क्यों नहीं की कि तुम्हारे और उष्णा के दरमियान कुछ भी नहीं है? सिर्फ इसलिए ताकि उसका ध्यान हमसे हट जाए। क्या मुझे नजर नहीं आ रहा वो किस तरीके से उष्णा के आगे पीछे घूम रहा है? उसे तो कोई कुछ नहीं कहता, सारे प्रॉब्लम्स मेरे लिए ही हैं। गलती की तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट जाकर, अभी मामा को भी फेस करना है मैंने। अरे पिछली बात को लेके अभी तक मुझसे नाराज है? नहीं, तुमने माफी मांग ली और अम्मी ने समझा दिया था तो मैंने बात को इग्नोर कर दिया। आई नो शिरोज, आप आंटी की किसी बात को मना नहीं कर सकते। मुझे रियलाइज हो गया है कि मुझे आंटी को किसी भी सूरत में वहां अकेले छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। छोड़ो ना, कोई और बात करते हैं। मैं इस बात को भूल गया हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं पास्ट की किसी भी बात की वजह से कुछ ऐसा कह दूँ कि तुम हर्ट हो। कोई और बात करते हैं। शेरोस, ये व्यू कितना अच्छा है ना, और रात को समंदर तो मुझे और भी बहुत अट्रैक्ट करता है, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी हर फेवरेट जगह पे आपके साथ जाऊँ, वहाँ टाइम स्पेंड करूँ। तो कह रहे हैं ना, यू नो व्हाट शेरोस, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, शायद इसीलिए आपका मस्त है। ओह गॉड, यहाँ एंगेजमेंट के बाद फियांसी लड़की की तारीफ करते हैं, लाइक यू नो मैं आपकी तारीफ किए जा रही हूँ। वो क्या कहते हैं ना कि फूटी मेरी तकदीर। ठीक है बाबा, अगर आपने ये फैसला तो फिर मेरा फैसला भी सुन लें। अगर मेरी उष्णा से शादी नहीं हुई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बाबा आप क्या कर रही हो ये? वो मैं सेमेस्टर सर पे है तुम्हारा और तुम यहाँ फोन में लगी हुई हो? नहीं नहीं, वो मैं
मैं पढ़ पढ़ के थक गई थी ना, तो बस इसलिए। जानता हूँ कितना पढ़ती हो और कितना थकती हो तुम। बंद करो ये सब, समेटो इसे और पढ़ाई करो। जी। कहाँ चले गए थे आप? कहीं नहीं, ऐसे ही वॉक के लिए निकल गया था जरा। मैं यहाँ इतनी परेशान हो रही हूँ, बजाय इसके कि मेरे साथ बैठ के परेशानी का हल निकाले, टहलने चले गए आप? कमाल करते हैं। रईसा बेगम, तुम्हारी परेशानी का हल तो निकल ही आएगा। सुफियान हमारा बेटा है, उसे कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूँ, लेकिन बेहतर है कि सुफियान के लिए परेशान होने के बजाय तुम सदफ के लिए परेशान हो। क्यों? सदफ को क्या हुआ है? शायद आप वो रेस्टोरेंट वाली बात को लेके परेशान हो रहे ना। रफाकत, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात हो गई है सदफ से। बात कैसी भी हो रही सा, फिकर इस बात की है कि तुम्हारी बेटी पूरी पूरी रात न जाने फोन पे क्या क्या करती रहती है, और दूसरी तरफ ओशना है, वो पढ़ती रहती है। अब मेरी बेटी को उष्णा से तो ना मिला है। अरे मिला नहीं रहा हूं, एक बात कर रहा हूं। एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वो हर साल टॉप कर जाती है, और तुम्हारी बेटी सिर्फ पासिंग मार्क्स से पास होती है। समझाओ उसे। अगर उष्णा उससे ज्यादा नंबर लेकर आती है, इसमें सदफ का क्या कसूर है? मेरी बेटी भी तो हर वक्त पढ़ती है। जी देख के आ रहा हूं अभी, कौन पढ़ रहा है और कितना पढ़ रहा है। देख तो मैं भी रही हूं। शुजात के साथ साथ आपका भी दिल ना अपनी बहन और भांजी के लिए मोम हो रहा है। अगर मेरी बेटी इतनी तकलीफ दे रही है ना आपको, तो फिक्र ना करें, उसको भी घर से निकालने के लिए इंतजाम कर लिया है मैंने। कह दिया है मैंने परवीन को कि अच्छा सा रिश्ता देके तो सदफ को भी रुखसत कर देते हैं, ताकि आपकी ये तुम्हारी बेटी वाले मुकालमे से तो जान छूटे मेरी। वैसे बेहतर यही है कि जल्दी कोई अच्छा रिश्ता मंगाओ और बेटी को उसके घर का करो, बस। मैंने भी यही सोचा। उष्णा रुको, मुझसे किस बात की नाराजगी है? आपसे कोई नाराजगी नहीं। तो मुझे देख के वापस क्यों जाने लगी? ना तो आप इतने मासूम हैं और ना ही मैं इतनी बेवकूफ कि हालात को समझ भी ना सकें। आप मुझे इस तरह रोक कर और मुश्किल में मत डालें। लेकिन मैं तो तुम्हें मुश्किल से निकालना चाहता हूँ उष्णा। वाकई अपने इख्तियारात और मेरी हैसियत जानने के बाद भी आपके ये अल्फाज हकीकत से बहुत दूर लगते हैं। तुम्हें पता है मैं पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात सोचता रहा तुम्हारे बारे में। वो आपका जाती मामला है, मैं क्या कर सकती हूँ। वो तो है। देखो तुम्हारी नाराजगी जायज है, मैं सब कुछ आते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब मैंने एक फैसला किया, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी राय लेने आया। कैसी राय? और मेरे लिए क्यों स्टैंड लेने लगे आप? वो सब कुछ तुम उस पर छोड़ दो, बस तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तुम्हारी क्या राय मेरे बारे में? मेरी राय मैटर नहीं करती, बेहतर होगा आप अपने पेरेंट्स की राय पर चलें। जी के ना जी सकूं, मर के ना मर सकूं, दोनों ये झूठी है पनाहें, तन्हा तुझे। मामा चाय पीने। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी किचन में जाके खुद चाय बनाने की? अब इस घर में इतने टाइम से रहते हैं, अब चाय बनाने के लिए भी मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम्हें पता है भाभी को पसंद नहीं है हमारा किचन में जाना और इधर उधर काम करना। उनकी नापसंदीदगी की वजह यह है कि कहीं हम इस घर पर कब्जा ना कर लें, वरना उन्हें हमसे कोई खास हमदर्दी नहीं है। जो भी है,
क्या जरूरत है हालात को बिगाड़ने की? जैसा है चलने दो ना। मैं कोई हालात नहीं बिगाड़ रही, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अगर हम यहाँ रह ही रहे तो हमारे होने का एहसास तो हो उन्हें। छोड़ो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम्हें? जी बस जा ही रही हूँ। बस तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तुम्हारी क्या राय है मेरे बारे में? कागज की शेर घर में ढेर। कुछ कहा तुम्हें? नहीं तो बताओ कोई बात है तो। वो कल सेमेस्टर की फीस की लास्ट डेट है। आखिरी डेट है? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया था मैंने, एक दो बार बाबा के जाने के बाद भी जिक्र किया था, लेकिन शायद परेशानी में आपके जहन से निकल गया। परेशानी में ध्यान ही नहीं रहा मुझे। हाँ तो याद करा देती ना, दोबारा बता देती। किसके भरोसे? आपके पास कौन सा खजाना है जिसमें से निकाल निकाल कर मुझ पर खर्च करेंगी? अरे पहले बताती तो कोई हल तो निकालती ना मैं। अब बता दिया ना, क्या हल निकाल रही है आप सिवाय परेशान होने के? इसीलिए नहीं बता रही थी। अरे कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम? परेशानी छुपाने से कभी मसले का हल निकला है? यहाँ हल है ही कहाँ, सिर्फ परेशानी परेशानी है। ऐसे नहीं कहते, अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होते, गुनाह होता है। मैं करती हूँ ना भाई से बात, वो दे देंगे फीस। ये भरम मत तोड़े अपना, दुनिया में इतनी सारी लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई अधूरी छोड़ देती हैं, उनमें एक मेरा नाम भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम परेशान ना हो, मैं भाई से करती हूँ बात, तुम चाय पियो, मैं बात करके आती हूँ। भाई वो आपसे बात करनी थी। वो उष्णा की वो सेमेस्टर की फीस देनी है। तो फीस जमा करानी है आखिरी तारीख की। तो करवा दो, किसने रोका है? मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको क्यों जहमत देती। तो सीधे सीधे कहो पैसे चाहिए। ये बात अंदर नहीं कर सकती थी, यहाँ बाहर आके करनी जरूरी थी। वहाँ भाभी, फिर वो भाभी क्या यार, जबान पकड़ लेती है तुम्हारी, हर वक्त तो तुम्हारे अच्छे के लिए सोचती रहती हैं। और तुमों के खैर, इस महीने मैंने सदफ की फीस जमा करा दी है, हाथ तांगे मेरा। अपनी बेटी से कहो अगले सेमेस्टर में इम्तहान दे, ठीक है? सईद चलो। भाई से मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ हाथ तक है, अगले सेमेस्टर में फीस दे देंगे। मैं शुजात भाई से बात करूंगी, वो मान जाएंगे, बात दे देंगे पैसे। कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। तुम कैसे करोगे? किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगी। खुदा हाफिज। उष्णा हो जाएगा। हाय परवीन, एक भी लड़का ठंका नहीं है इसमें। क्या हो गया भाभी, ध्यान से देखें तो सही। ध्यान से देखूंगी तो इनके सर पे ताज सज जाएंगे। तुम्हें मैंने कहा था कि मेरी सदफ के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लाना, तुम पता नहीं किन लड़कों की तस्वीरें ले आई हो, पकड़ो इसे। अरे ऐसे कैसे, ये देखे ना, ये लड़का दुबई में है, 40 से ऊपर का है, और तुम इसे लड़का कह रही हो? अकेला है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, राज करेगी हमारी सदफ दुबई में। अरे रहने दो, इस बुड्ढे ने कौन से तेल के कुएं दरियाफ्त कर लिए होंगे जो मैं अपनी बेटी को हंसी खुशी उस कुएं में धकेल दूं। खास तौर पे कह के बुलवाया था मैंने तुम्हें, एक काम ढंग का नहीं किया, तुम किसी काम के नहीं हो, चलो चाय पियो। परवीन तुम आई और मुझे बताया भी नहीं। बस वो भाभी बेगम से आती ही बातों में लग गई। परवीन को तो मैंने बुलवाया था, तुम्हें क्यों बताती? मैंने अपने हुजैफा के लिए अच्छी सी लड़की दिखाने का कहा था। तुम हुजैफा के लिए रिश्ता देख रही हो, तुमने मुझे बताया ही नहीं। आपने भी तो नहीं बताया ना कि सदफ के लिए लड़का देख रही हैं आप। खैर छोड़े फालतू बातें, काम की बात तो ये है कि भाई बेटे की शादी करनी है तो लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी ना। कब तक किसी लड़की और उसकी माँ को खुशफहमी में मुब्तला रखूं? सदफ के लिए कोई देखा लड़का आपने?
यही सोच के बुलवाया था मैंने परवीन को, लेकिन भाई जो लड़के परवीन ने दिखाए ना, तौबा तौबा, ऐसे गिरे पड़े लड़के तो मेरी आंखों के सामने मौजूद हैं। लेकिन मुझे अपनी सदफ के लिए पढ़ा लिखा अच्छे खानदान का लड़का चाहिए। अब ये परवीन मेरे तो किसी काम नहीं आए। तुम भी अपना शौक पूरा कर लो, हो सकता है परवीन तुम्हें तुम्हारी जैसी कोई बहू ढूंढ दे। अब देखे ना, भाभी को तो कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा, इसमें कोई बुराई है इस लड़के में? आप लोगों को उष्णा का रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उष्णा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। परवीन जरा दिखाना तस्वीरें, ये रखो ये दो। परवीन तुम ऐसा करो कि इस लड़के के घर वालों को बुलवाने की करो। भाभी, सदफ के लिए आप ये लड़का देख रही हैं? तुम्हें किसने कहा कि मैं सदफ के लिए देख रही हूँ? फिर भाई उष्णा भी तो मेरी बेटियों जैसी है ना, अब उसका फर्ज भी तो मैंने ही निभाना है, और फिर मेरा भी तो हक है तुम्हारी तरह मैं अपने बेटे का मुस्तकबिल महफूज करूं। ये उष्णा कौन है? सब पता चल जाएगा परवीन, बस तुम जल्दी इस लड़के के घर वालों को बुलवाने की करो। मैं नहीं चाहती भाई इस नेक काम में कोई भी देर हो। परवीन चाय तो पियो। भाई मुझे आपसे कुछ काम था। बैठो। तो क्या बात? वो उष्णा की यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो उसको देने की आखिरी तारीख है। अच्छा, तुमने बात की भाई साहब से? क्या कहा उन्होंने, दे दिए पैसे? उन्होंने फीस अदा कर दी होती तो अपनी मजबूरी लेकर आपके पास क्यों आती? उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, कहा है कि इस सेमेस्टर इम्तिहान देने की जरूरत ही नहीं है। चलो मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। अल्लाह ने चाहा तो उष्णा का सेमेस्टर जाया नहीं होगा। शुक्रिया। तो तुम्हारी बेटी कौन सी छोटी सी बच्ची है, और वैसे भी मर्द की उम्र और उसकी सूरत नहीं देखी जाती, दुबई में काम करता है। फिर से अगर उष्णा के बारे में अगर भी बकवास की ना तो अगली पिछली सारी कसर पूरी कर दूंगा। बात तो वैसे उष्णा की ही है। मुझे पता है तुम मुझे उष्णा के बारे में बदगुमान करोगे, पर हाँ उष्णा को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चीनी थोड़ी कम ही डालना मेरी चाय में तो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भैया आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो। वो ज़ैनब आई थी मेरे पास उष्णा की फीस के सिलसिले में। जवाब दे चुका हूँ मैं उसे। भाईजान थोड़े से पैसों की बात है, उष्णा का पूरा साल जाया हो जाएगा। हाँ तो होने तो जाया, उसने पढ़ लिख के कौन सा खानदान के माथे पे झूमर सजा देना है। भाईजान मैं सिर्फ एक दरखास्त कर रहा था कि अगर आप थोड़ा सा उसको बस करो। जब मैं उसे जवाब दे चुका हूँ तो उसके बाद उसे तुम्हें मेरे पास भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये बात मैं अपने तौर पर आपसे कह रहा हूँ ना। मैं बात ही नहीं करना चाहता इस मौजू पर। इस घर में उसको पना दे दी, क्या ये काफी नहीं है, गनीमत नहीं है? तुम्हारे भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुजात, उस बच्ची ने पढ़ लिख के क्या कर लेना है, बिन बाप की बच्ची है, शादी वादी कराओ उसकी। मैं आपकी बात समझा नहीं भाभी। भाई इतने अरसे से देख रही हूँ सारी नेकियां तुम ही समेटे जा रहे हो, मैंने सोचा थोड़ी नेकी मैं भी कमा लूं। परवीन आई थी कुछ रिश्ते लेके,
एक लड़का मुझे भी बहुत अच्छा लगा उष्णा के लिए। मैंने तो फौरन कह दिया भाई लड़के वालों को बुलाने की करो। नहीं बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है लेकिन जैनब वो मान जाएगी? हाय क्यों नहीं मानेगी, हम सब मिलके समझाएंगे उसे। यतीम बेसहारा बच्ची जो है ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जवान लड़की है वो। और सच पूछो तो जब से जैनब और उष्णा इस घर में आए मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। और फिर जैनब को एतराज क्यों होगा, हम उसकी बेटी के लिए भलाई सोचेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कोई फजूल सा रिश्ता लेके उसको यहाँ से चलता कर देंगे। भाई छानबीन करके अच्छे से अच्छा रिश्ता कराऊंगी, दोनों खुश हो जाएंगी। और जैनब मना करेगी क्यों, हम बड़े हैं उसके, हम अगर कोई फैसला करेंगे तो वो दोनों की बेहतरी के लिए ही होगा ना। जब बच्चा कड़वी दवा खाने से इनकारी होता है तो क्या करते हैं बड़े, सख्ती करते हैं ना उसके साथ, क्योंकि उसमें उसका भला होता है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस वक्त में इन हालात में सबसे बेहतर फैसला है कि हम उष्णा की शादी करवा दें। नहीं आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पराई बच्ची की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, अच्छा है अपने घर चली जाएगी, खुश रहेगी वहां जाके, ये बिल्कुल ठीक है। मेरा तो ख्याल है भाभी ये रिश्ता जल्द से जल्द करा दें। तुम फिक्र मत करो, तुम देखना कितना जल्दी कराती है सब कुछ। चलो अच्छा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मामा जब से पापा गए हैं आज मैंने पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखा है। ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको खुशी मिल रही है, मुझे नहीं बताएंगी? नहीं तुम ये बताओ ये फोन पे क्या कर रही होती देर से? मैं तो जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, काफी सारी जगहों पर सीवी ड्रॉप कर दी है और अब इंशाल्लाह जल्दी मुझे जॉब मिल जाएगी। जॉब करोगी? जी मैं चाहती हूँ कि अगले सेमेस्टर की फीस मैं खुद अदा करूँ, आपको मेरे लिए किसी से भीख ना मांगनी पड़े। मैं अभी आती हूँ। लगता है बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हो तुम। भाभी आप आए बैठे, हम सब नीचे बातें कर रहे थे, सुन तो ली होगी तुमने है ना, देखा था मैंने तुम्हें वहां से गुजरते हुए। यकीन ही नहीं आ रहा हमारी छुप छुप के बातें सुनने की तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं। अरे नहीं भाभी मैं तो वहां से बस गुजरी थी। अरे ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है तुमने सारी बातें खुद सुन ली, मुझे दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लड़के की तस्वीर है, आगे पीछे कोई है नहीं इसके सवाय एक बहन के, वो भी शादीशुदा है, वही आएगी उष्णा को देखने के लिए। लेकिन भाभी ये तो उम्र में बहुत बड़ा है। ये उम्र में बड़ा है तो तुम्हारी बेटी कौन सी छोटी सी बच्ची है, और वैसे भी मर्द की उम्र और उसकी सूरत नहीं देखी जाती, दुबई में काम करता है, इतना अच्छा रिश्ता तो है, और क्या चाहिए तुम माँ बेटी को? नहीं भाभी माजरत के साथ ये रिश्ता ठीक नहीं है। तुमसे तुम्हारी राय नहीं ले रही, फैसला सुना रही हूँ। इस लड़के से मैं तुम्हारी बेटी की शादी बहुत जल्द करने वाली हूँ, ताकि वो जो गुल खिलाने वाली है ना इस घर में उससे बाज आ जाए। भाभी प्लीज आपके दिल में उष्णा के लिए जो भी गलत फहमी है ना मैं उससे कहूंगी, आपसे बात करके उसको क्लियर कर लेगी, लेकिन ये मुनासिब नहीं। अब तुम हमें बताओगी कि क्या मुनासिब है और क्या नामुनासिब, तुम्हारी इस घर में औकात क्या है? सुन लो। सुने मैं आपसे वाकई उलझना नहीं चाहती, लेकिन ये ज्यादती नहीं होने दूंगी उष्णा के साथ। ठीक है फिर रफाकत अपनी जबान में खुद बात करेंगे तुमसे। दोनों कहीं जा रही हैं आप? जी बाबा वो शेरोज मुझे पिक करने आया है, हम डिनर पे जा रहे हैं।
That's good. मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोनों के बीच में सब सेट हो गया है. खुश रहो बेटा. See you. See you. Allah Hafiz. काफी देर हो गई, आई नहीं अभी तक. आ गई. हाय बेटे. जूनी तुम एक काम करो, पीछे बैठ जाओ. चले. Thank you. खा नहीं रही बेटे? क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? आंटी आपको नहीं पता क्या हो रहा है. सीरियसली आपको कुछ नजर नहीं आ रहा. आप अपने बेटे के हिसाब पर इस तरह से सवार है कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है. माना पैरालाइज है लेकिन दिमाग तो थोड़ा सा काम करता है ना आपका. क्या कह रही हो बेटे? मैं जो भी कह रही हूँ आप इसको गौर से सुने. मैं तंग आ गई उन सब चीजों से. कहीं पे भी जाना हो, बाहर डिनर पे या कहीं पे भी जाना आना है तो आप साथ होती हैं. हर जगह आपने अपने बेटे को पपेट बना के रखा हुआ है जो आपकी मर्जी से सोता है, जागता है, चलता है. क्यों आंटी आप ऐसा क्यों कर रही हैं उसके साथ? मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटे? क्योंकि मुझे लगता है आंटी कि आप चाहती नहीं है कि आपका बेटा नॉर्मल जिंदगी स्पेंड करे, फ्रांसी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करे, एंजॉय करे. अपनी जात में इतना गुम करके रखा वैसे कि आपके अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आता. लास्ट टाइम भी मेरा शेरोज से झगड़ा आपकी वजह से हुआ था. देखे अपने इर्द-गिर्द किसी कपल के साथ उनकी माँ है क्या? सब अपने पार्टनर्स में गुम है, एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी. और मैं इतना एक्साइटेड थी मैं इस डिनर को लेके. मैं अपने फियांसी के साथ एक रोमांटिक डिनर पे जा रही हूँ. हो गया मेरा डिनर. कैसे? आंटी ठीक है ना? हमें आर यू ओके? परेशान लग रही है, तबीयत तो नहीं खराब है आपकी? नहीं नहीं ठीक हूँ. ऐसे मुझे बस ना अच्छा नहीं फील हो रहा. मुझे लग रहा है बेटे मुझे आप दोनों के साथ नहीं होना चाहिए था. तुम लोगों का नया नया रिश्ता है, तुम्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए था, एक दूसरे को जानना चाहिए है. Why am I tagging along? जूनी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, तो इतनी स्वीट बच्ची है, वो क्यों कुछ कहेगी मुझे? मैं खुद सोच रही हूँ ये. तुम दोनों का नया नया रिलेशनशिप बना है, हर जगह मुझे साथ नहीं होना चाहिए. ये यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेल होती है और अब ऑफिस में सारा दिन मेरे साथ होती है. और कितना टाइम स्पेंड करें हम साथ? आंटी आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैं भी शेरोज की बात से एग्री कर रही हूँ. एक्चुअली बहुत छोटी थी ना तो मामा चली गई थी. अब आप है ना मेरी माँ की कमी को पूरा करने के लिए. अच्छा है ना शेरोज जो आपको हर जगह साथ रखता है. इसी बहाने मुझे भी मौका मिल जाता है टाइम स्पेंड करने का आपके साथ. सुने आपने जूनी के ख्यालात? मुझे तो लगा शायद इसने कुछ कह दिया आपको. बस मैंने तो सोच लिया कि मैं जहां जाऊंगा बल्कि हम लोग जहां जाएंगे अम्मी साथ होंगी. फहद
वक्त पे पहुंच जाऊंगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैं पूरे घर में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ फोन पे लगे हुए हो। अब क्या हो गया, बातें सुना के कल दिल नहीं भरा? बहन बनाकर साइड तो तुमने मुझे वैसे ही कर दिया है और इसी का फायदा उठा के मामा मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू हो गई है। रियली? रियली? मामा से मेरे लिए रिश्ता नहीं ढूंढ रही बल्कि चची जान तुम्हारे लिए लड़की देखने का इरादा रखती है। तो रखने दो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें सुन के मतलब कोई टेंशन नहीं हो रही? देखने दिखाने से क्या होता है, होने दो उन्हें खुश। अच्छा है दोनों मसरूफ रहेंगी। तुम्हारी यही लापरवाही ना एक दिन हमें बहुत महंगी पड़ेगी। तो शुक्र है आज मेरी जगह मामा को उष्णा के लिए एक लड़का पसंद आ गया था, वरना मेरी शामा तो पक्की थी। क्या, उष्णा का रिश्ता? हाँ, उष्णा का रिश्ता। लेकिन तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? अरे रिएक्ट करना तो बनता है ना बॉस। अगर उष्णा की शादी हो गई तो तुम्हारे मजनू भाई का क्या होगा? तुम भाई की फिक्र करना छोड़ो, हमारी फिक्र करो। हमारी फिक्र भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो तुम्हारे भाई की सड़ी हुई शक्ल देखने का मन कर रहा है कहाँ वैसे वो? मुझे क्या पता? मैं जा रहा हूँ। अरे शुजात, वो सुने खैरियत है, ये इस वक्त आपको चेक साइन करने की क्यों जरूरत पड़ गई? हाँ वो रिश्ते के चक्कर में भाई साहब के सामने उष्णा की फीस की बात आई गई हो गई, तो मैंने कहा ठीक है चेक साइन करके जैनब को दे आता हूँ, तो ये इसका चेक रेडी हो गया। दिमाग सही है आपका, क्या करने जा रहे हैं? उष्णा का साल जाया हो जाएगा। जाया होता है तो होने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं पता भाई साहब कितना चिढ़ते हैं उस लड़की से, और ये नेकी करके आप भाई साहब के गुस्से को हवा दे रहे। हमारा दाना पानी खत्म हो जाएगा इस घर से। दाना खास्ता हमारा दाना पानी क्यों उठने लगा? तो फुरकान की मौत के बाद उष्णा की पढ़ाई के अखराजात कौन उठाएगा? और भाई साहब का क्या, उनके गुस्से की कोई फिक्र नहीं है आपको? भाई साहब को मैं समझा लूंगा, चेक भेज दो, मैं जैनब को देख के आऊँ। वो नहीं समझने वाले, और आप भी ना ये नेकियां करना बंद कर दीजिए। वैसे इन दो औरतों को घर में लाकर आपने हम सबको अजाब में डाल दिया। ये चेक तो मैं कैश कराऊंगी, आप ही शॉपिंग करो। ओह बता नहीं भूले, नीचे सब आपका इंतजार करें, जल्दी से आ जाए। आ जाइए नीचे। लगता है आजकल घर में जनाब का दिल ही नहीं लग रहा। तुम अपने काम से काम रखा करो। वो ही रख रहा था, लेकिन फिर तुम्हारे काम की बात मेरे कानों में पड़ गई, सोचो तुम्हें बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में तुम मारे जाओ। तुम्हारे फायदे की बात है। तो पॉइंट बात करो। अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, कहो क्या कहना है। अपने होश को जरा काबू में रखना, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सुन के कहीं तुम्हारे होश ना उड़ जाएं। फिर से अगर उष्णा के बारे में अगर कोई बकवास की ना तो अगली पिछली सारी कसर पूरी कर दूंगा। इतना गुस्सा? बात तो वैसे उष्णा की ही है। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मुझे पता है तुम मुझे उष्णा के बारे में बदगुमान करोगे, और हाँ उष्णा को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देर से ही सही लेकिन बिल्कुल ठीक समझे हो। लेकिन मसला ये है मेरे भाई कि अब ताईजान तुम्हारी लव स्टोरी की विलन बन गई हैं। उन्होंने लड़के वालों को उष्णा के रिश्ते के लिए घर बुला लिया है। What? उष्णा का रिश्ता? अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं लड़के का बायोडाटा निकाल के तुम्हें दे सकता हूँ। ऐसे बड़ी मुख्तसर सी उम्र रही तुम्हारी लव स्टोरी की। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ, वैसे भी अब मुझे बड़ी अच्छी नींद आएगी, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैं जाग रहा था। खैर जैनब और उसकी बेटी के लिए चाहे भले कुछ भी अच्छा कर लो,
कभी एहसान नहीं मानेगी, जरा सा भी लिहाज नहीं है। इतनी बदतमीजी की है ना उसने मेरे साथ, क्या हद है। चुप करो यार बस। क्या चुप करो, आपको पता है वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि देखती हूं किस तरह से उष्णा की शादी उस लड़के से होती है। आप लोग ही बताएं, मैं भला दुश्मन हूं उसकी बेटी की? मैं बात कर लूंगा ना जैनब से, तुम चुप कर जाओ। मैं आ सकती हूं भाई? आ जाओ। जब बड़े बड़े फैसले खुद ही करना शुरू कर दिए हैं तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए इजाजत क्यों मांगती हो? भाई मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने बड़ों की इज्जत करूं, लेकिन जब ताजीम को कमजोरी समझ लिया जाए तो फिर शायद हर बात की वजाहत देनी पड़ती है। ओए होए, बड़ी भाभी के साथ बदतमीजी भी ताजीम में आती है और बड़े भाई के साथ जबान चलाना भी, और वो किसके लिए? उस लड़की के लिए। मैंने भाभी से कोई गुस्ताखी या बदतमीजी नहीं की है। शायद आप भूल रहे हैं कि हमारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, जो बेअदब नहीं है। हाँ हाँ, मेरी ही रगों में खून के बजाय पानी दौड़ता है। रिश्ते से इनकार की वजह क्या है? अगर उष्णा के जोड़ का रिश्ता होता तो मैं इनकार कभी ना करती। क्यों जोड़ का नहीं है? मैंने तस्वीर देखी है उसकी, पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा कमाता है, हम सबको रिश्ता पसंद है, तो तुम्हें क्या एतराज है? भाई उषा की माँ होने के नाते मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। अच्छा, तो तुम अपने भाई की पसंद से इनकार कर रही हो? मैं सिर्फ अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर रही हूँ, और अगर आप लोगों को वाकई ये रिश्ता बहुत पसंद है तो सदफ के लिए हाँ कर दें। बस ज़ैनब, बहुत बकबक बर्दाश्त कर लिए मैंने, मजीद मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश ना करना। तुम उष्णा का मुकाबला मेरी सदफ से कर रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत, शर्म नहीं आती तुम्हें? सुन रहे हो शुजात, इसीलिए मना कर रहा था मैं, मगर तुम्हें तो बुखार चढ़ा हुआ था ना हमें बेइज्जत कराने का। हम यहां खुद नहीं आए थे भाई, हमें जबरदस्ती लेकर आए थे। यहां आते ही मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरा ये फैसला गलत है, इसलिए अब मैंने ये फैसला किया है कि हम बहुत जल्द यहां से चले जाएंगे। एक मिनट ज़ैनब, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? यहां से कहां जाओगी? अल्लाह की रहमत पर बहुत भरोसा है मुझे, यहां तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। अच्छा खाने को मिल रहा है, आलीशान घर में रह रही हो, लेकिन तुम्हारे नखरे नहीं खत्म होते। हाँ, यहां से जाने की बात कर रही हो, जा। किसने रोका है तुम मां बेटी को? लेकिन ये बताती जाओ कि यहां से निकल के कौन से खैराती इदारे में दो वक्त की रोटी के लिए हमारा नाम खराब करोगी? खुदा ना खास्ता खैराती इदारा क्यों भाभी, अल्लाह का शुक्र है साहिब हैसियत हूं मैं। मेरे भाई अगर जायदाद में से मुझे मेरा हिस्सा दे दें तो हम चुपचाप यहां से फौरन चले जाएंगे। एक मिनट, कौन सा जायदाद भाई? क्या दिमाग में सोचे बैठी हो? कुछ नहीं है यहां तुम्हारा। भाई फिर ना चाहते हुए भी मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हाय अल्लाह, अब तुम अपने भाइयों को अदालत की धमकी दोगी? शर्म नहीं आ रही ना हक मांगने में? शर्म कैसी भाई? हाँ हाँ, इनको क्यों शर्म आने लगी भाई? अपने भाइयों को अदालत में भी घसीटेंगी, जलील और रुस्वा भी करेंगी, और किसके लिए? उस दो टके की लड़की के लिए।